नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। हिजाब मामले पर मुस्लिम संगठनों ने 17 मार्च को कर्नाटका बंद का आह्वान किया। एक दिन शांतिपूर्ण बंद की जाएगी व्यवस्था। मुंबई, हैदराबाद, वाराणसी, सादुलपुर और नरवाना रूट पर चलेगी होली स्पेशल 9 ट्रेनें। भगवंत मान मरे, पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री शहीद भगत सिंह के गांव मिली पद एवं गोपनीयता की शपथ। 1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाए भुगतान। वन रैंक वन पेंशन केस से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। गोवा और मणिपुर में मौजूदा मुख्यमंत्रियों को ही सौंपी जाएगी सूबे की कमान, बीजेपी के सूत्र से मिली जानकारी। अब समाचार विस्तार से। हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कई राज्य मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार 17 मार्च 2022 को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। अग्रणी कर्नाटक का शरिया अमीरात है। कर्नाटक के शरिया अमीरात को कर्नाटक के सभी मुस्लिम संगठनों का प्रमुख माना जाता है। कर्नाटक के शरिया अमीरात द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य में एक दिवसीय पूर्ण शांतिपूर्ण बंद की घोषणा ने हिजाब मस्जिदों के लिए जिम्मेदार महिला संगठनों और उम्मीद के संबंध में उच्च न्यायालय के हालिया दुखद फैसले को नाराज कर दिया है। एमिल्लत और वकीलों ने गुरुवार 17 मार्च 2022 को पूरे कर्नाटक राज्य में एक दिवसीय शांतिपूर्ण बंद की घोषणा की। हिजाब मामले में हिजाब प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मौलाना मकसूद इमरान ने मुस्लिम महिलाओं और विशेष रूप से हिजाब पहनने वाली छात्राओं से हिजाब को लेकर विरोध या जुलूस नहीं निकालने और शांति बनाए रखने की अपील की। यह याद किया जा सकता है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के कॉलेजों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा और शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी प्रथा नहीं है, इसलिए ड्रेस कोड को लेकर सरकार के आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलवार को हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने फैसले में कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, हमारे देश में नफरत और विभाजन के कारण जान गंवाने को देखते हुए जिन्ना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कभी भी मानवाधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के भविष्य में मुस्लिम लड़कियों के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। युवा मुस्लिम लड़कियों का भविष्य दांव पर है। ये युवा लड़कियां प्रतिभाशाली और सक्षम हैं। मैं मानता हूं कि यह एक बड़ी साजिश है, यह शुरू से ही स्पष्ट था। होली के त्योहार पर उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से भी राहत मिली हुई है, लिहाजा लोग भारी तादाद में आवागमन कर रहे हैं। लगातार रिजर्वेशन की बुकिंग के दबाव के चलते हुए रेलवे अब तक आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों का संचालन पहले ही शुरू कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों का दबाव कम नहीं हो रहा है। इस पर एक बार फिर से रेलवे 9 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू कर रहा है। इन 9 ट्रेनों में मुंबई, हैदराबाद, सादुलपुर, वाराणसी और नरवाना रूट शामिल है। ये सभी ट्रेनें 18 से 27 मार्च के बीच चलेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में आज बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मान ने पंजाबी भाषा में सीएम पद की शपथ ली। शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कलाम गांव में आयोजित भव्य समारोह में राज्य के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर भगत सिंह के गांव को बसंती रंग में रंग दिया गया और वहां पहुंचे अधिकतर लोग भी बसंती पगड़ी और बसंती रंग के ही दुपट्टे पहने हुए थे। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने के आए लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। यहां आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनकी कैबिनेट बैठी है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं, राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। यह बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि फेसबुक द्वारा सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह सामाजिक सौहार्द भंग किया जा रहा है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सोनिया ने कहा कि भावनात्मक सूचना के माध्यम से युवा और बूढ़े लोगों के दिमाग में नफरत भरे जा रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर जैसे प्रॉक्सी विज्ञापन कंपनियां इससे अवगत है और इससे मुनाफा कमा रही हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि फेसबुक ने सत्तारूढ़ दलों से मिलकर अन्य पार्टियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे बंगाल के छात्रों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ममता ने सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों के लिए कई ऐलान करते हुए हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की सरकार आपके साथ खड़ी है। दरअसल राज्य सरकार को लगता है कि यूक्रेन के हालात अभी अस्थिर है, इसलिए इन सभी छात्रों को भारत में ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। यूक्रेन से प्रदेश के कुल 391 छात्र लौटे हैं, जिनमें से 11 मेडिकल इंटर्न हैं। ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए राज्य सरकार नाम मात्र की लागत पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। वहीं मेडिकल इंटर्न के लिए राज्य सरकार उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप शुरू करने की अनुमति देगी। ऐसे इंटर्न को वजीफा यानी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अब वक्त है थोड़े से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाया जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश में एमएलसी के होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर कफील खान को
गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित किया गया था। डॉक्टर कफील खान ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात और गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर लिखी पुस्तक भेंट की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर कफील खान को देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के होने वाले चुनाव में सपा ने प्रत्याशी बनाया है। सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें ओआरओपी के अपनाए गए सिद्धांत में कोई संवैधानिक खामी नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि यह कोई विधायी जनादेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है जो उसकी शक्तियों के दायरे में है। कोर्ट ने कहा, 1 जुलाई 2019 से पेंशन फिर से तय की जाएगी और 5 साल बाद संशोधित की जाएगी और 3 माह के अंदर बकाया भुगतान करना होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बीजेपी की जीत वाले चारों राज्यों में नई सरकारों का गठन होली के बाद होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होली के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी बीच गोवा और मणिपुर में मौजूदा मुख्यमंत्रियों को ही सूबे की कमान सौंपी जाने की खबर है। बता दें कि प्रमोद सावंत को गोवा की सीट सौंपने की घोषणा कर दी गई है। वहीं नोंगथोम्बम बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद दोबारा सौंपी गई है। हालांकि बीजेपी नेता विश्वजीत राणे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। गौरतलब है कि गोवा में बीजेपी ने 40 सीटों में से 20 सीटें जीती हैं और उसे कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया है। प्रमोद सावंत अपनी सीट पर बहुत कम मतों के अंतर से जीत हासिल की। बता दें कि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 32 सीटों पर कब्जा किया है और लगातार दूसरी बार इस राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सोना तस्करी के लिए एक व्यक्ति ने अनोखी तरकीब लगाई मगर वो रंगे हाथों पकड़ा गया। दुबई दिल्ली की फ्लाइट में सोने की तस्करी करने वाला ये शख्स तब पकड़ा गया जब अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्लाइट का निरीक्षण किया। तस्करी की सूचना मिलने पर अधिकारी हवाई अड्डे पर थे। जब फ्लाइट हवाई अड्डे पर उतरी तब संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। फ्लाइट की तलाशी लेने पर अधिकारियों को सोने की एक यू आकार की संरचना मिली जिसे चांदी के रंग के टेप में लपेटा गया था और यात्री की सीट के नीचे रॉड में लगाया गया था। अधिकारियों ने कहा, 1000 ग्राम वजन वाले बरामद किए गए सोने की कीमत 48,90,270 रुपए है। यात्री ने इस बात को स्वीकार किया कि ये सोना उसी का है, जिसके बाद सोने को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी आजकल हर तरफ छाई हुई है। ये रोमांटिक कपल हर किसी का चहेता बना हुआ है। लोग विकी और कैटरीना को अब हमेशा साथ देखना ही पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर छाई उनकी तस्वीरें इसकी गवाह हैं। वहीं कैटरीना की कुछ ताजा तस्वीरें इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं, जिसमें वे बेहद स्टाइलिश बीच लुक में नजर आ रही हैं। फैंस इन तस्वीरों को देख कमेंट करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। कैटरीना कैफ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से बीच लुक में लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में कैटरीना पिंक कलर की स्विम सूट पहने नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने ऑरेंज कलर के ओवरसाइज शर्ट को पेयर किया है और बालों में स्कार्फ लगाया है। स्कार्फ के साथ सनग्लास लगाए कैटरीना का ये स्टाइल बेहद कूल लग रहा है। वहीं उनके चेहरे की स्माइल उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हिजाब मामले पर मुस्लिम संगठनों ने 17 मार्च को कर्नाटक बंद का आह्वान किया। एक दिन शांतिपूर्ण बंद की जाएगी व्यवस्था। मुंबई, हैदराबाद, वाराणसी, सादुलपुर और नरवाना रूट पर चलेगी होली स्पेशल 9 ट्रेनें। भगवंत मान बने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री। शहीद भगत सिंह के गांव में ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। 1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाया भुगतान। वन रैंक वन पेंशन केस से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव के लिए डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। गोवा और मणिपुर में मौजूदा मुख्यमंत्रियों को ही सौंपी जाएगी सूबे की कमान, बीजेपी के सूत्र से मिली जानकारी।
केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।